त्रिम्बकेश्वर मंदिर के कुछ रहस्य आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और मंदिर के अंदर के दुर्लभ वीडियो जो आपको और कहीं नहीं दिखेगा वो भी दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। त्रिम्बकेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर त्रिम्बक शहर में स्थित है। ये भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे काफी पवित्र और वास्तविक माना जाता है। पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थान इसी त्रिम्बक शहर से होता है और उसके साइड से जो आप ये पर्वत देख रहे हैं, ये पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। आइए आपको कुछ अद्भुत और रहस्यमय चीज इस मंदिर के बारे में बताते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अद्भुत और असाधारण बात है कि इसके तीन मुख हैं, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और तीसरा भगवान रुद्र। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव की मुकुट के रूप में जाना जाता है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। मार्केट से थोड़ा आगे ब्रह्मगिरी पर्वत के तरफ जाने पर हमें दिखा यह मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, द फेमस त्रिम्बकेश्वर मंदिर। हर हिंदू के जिंदगी में एक ही तमन्ना, चार धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन। यह है VIP दर्शन लाइन, 200 रुपये टिकट प्रति व्यक्ति और जनरल लाइन में आपको घंटा दो घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाएगा। ये देखिए जनरल लाइन की भीड़। इस मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने कराया था सन 1755 से सन 1786 तक और उस समय लगभग 16 लाख रुपया का खर्चा हुआ था, जो उस समय का एक बहुत बड़ा रकम माना जाता है। इस मंदिर का एक बहुत ही अद्भुत बात यह है कि मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया है और यह वास्तुकला बहुत अद्भुत और अनोखी है। बाहर मंदिर के प्रांगण में हमें ऐसे अलौकिक सुख का अनुभूति हो रहा था कि हम भूल ही गए कि मंदिर के अंदर भी हमें जाना है। आइए बिना देर किए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कुछ लोग विशेष पूजा पाठ भी करवा रहे थे। आइए अब चलते हैं दर्शन करने उस काफी पवित्र और वास्तविक ज्योतिर्लिंग का जिसका दर्शन मात्र ही काफी दुर्लभ माना जाता है।
त्रिम्बकेश्वर मंदिर का ये यात्रा और भगवान शिव जी का दर्शन हमें जिंदगी भर याद रहेगा।